नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको SSC सिलेक्शन फेज 10 का जो फॉर्म निकला है उसके लिए अप्लाई करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसर्च करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको हम सिखाते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आना है आपको अपने मोबाइल में, उसके बाद आपको प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिस ऐप का नेम है पिक्चर रिसाइज। देखिए दोस्तों यहाँ फोटो पिक्चर रिसाइज इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम एक एक ऑप्शन को प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और अब आपको वीडियो देख कर हेल्प हो सके। तो दोस्त हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। आपको डाउनलोड करने के बाद 4 से 5 या 7 MB का है, इसे आप डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्त आपको हम बता देते हैं SSC का जो फॉर्म निकला है, SSC सिलेक्शन फेज 10 का जो फॉर्म निकला है, जो अप्लाई 12 तारीख से 12 मई से अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अंतिम तिथि जो है वो जून में है। तो दोस्त इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहां आपको फोटो की साइज जो है 10 से 15 20 से जो है 50 KB के अंदर होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज जो है 20 से 10 KB के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए दोस्त इसी प्रकार कुछ इस प्रकार आप फोटो इसको क्रॉप मत करना, नहीं तो आपको SSC के फार्म में आपको रिजेक्ट कर देगा। कुछ इसी प्रकार नोटिफिकेशन में दिया है कि आपको इस प्रकार से फ़ोटो अपना नहीं करना है। तो आपको जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर की, आपको इसी प्रकार से कुछ फ़ोटो अपने अपलोड करना है जिससे कि आपका फार्म जो है आपके फार्म में कोई रॉन्ग ना हो, जिससे कि आपका फार्म जो है एक्सेप्ट हो सके। दोस्त इस फोटो को आप देख लेना, इसी प्रकार आपको फ़ोटो जो है ब्लैक कलर की जो फोटो दिखाई दे रही हैं इन्हीं के द्वारा ऐसी आप इसी प्रकार आप अपने फोटो जो है अपलोड करना। तो देखिए दोस्तों हम रिसर्च करना आपको बताते हैं। दोबारा से हम उसी ऐप पे आ गए हैं। तो ऐप को आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपका ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई देगा आपको सिलेक्ट फ़ोटो, देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट फ़ोटो, उसके बाद आपको टेक फ़ोटो, उसके बाद रिसाइज फ़ोटो, उसके बाद सिलेक्ट वीडियो, आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम जो है फ़ोटो की साइज़ जो है 20 से 50 KB के अंदर होनी चाहिए फ़ोटो की साइज़, तो हम यहाँ फ़ोटो जो है 30 KB की हम फ़ोटो यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो आसानी से क्रिएट हो जाएगा। आप जो है SSC के किसी भी फार्म में भरना चाहते हैं, किस कोई भी फार्म अगर आप भरोगे तो इसी प्रकार आप क्रॉप कर लेना। दोस्त हम सिलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे, जैसे फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना अपनी इमेज जो है, अपनी फ़ोटो जो है, एक फ़ोटो आपको अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है जिसको भी आप क्रॉप करना चाहते हो। जो भी आप देखिए दोस्तों यहाँ हम फोटो पहले से खींच कर रखे हैं, अगर आप खींचे नहीं हैं तो आप टेक फ़ोटो पर क्लिक करके आप तत्काल में फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ़ोटो ले लिए हैं, उसके बाद इसे हम क्रॉप करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ साइज़ इसकी जो है बहुत हाई फाई इसकी साइज़ है, यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो आपको इसकी साइज़ दिखाई दे रही है 279 KB की आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ बहुत बड़ी साइज़ है जो हमको 30-20 से जो है 50 KB के अंदर बनाना है जो SSC के फार्म में अपलोड करने के लिए। तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट का, उसके बाद रोटेट का, उसके बाद यहाँ क्रॉप करने का। तो हम पहले क्रॉप करने के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फ़ोटो को एक बार हम क्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद हम रिसाइज करेंगे। तो देखिए दोस्त आप बढ़िया से फ़ोटो को अपनी रिसाइज कर लेना, उसके बाद क्रॉप कर लेना, उसके बाद आपको जो है रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ बढ़िया से ठीक तरह से अपना रिसाइज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा रिसाइज का ऑप्शन, तो आपको रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ फाइल, देखिए दोस्त यहाँ फाइल साइज, उसके बाद विड्थ या हाइट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम फाइल जो है साइज पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ आपको कस्टम पे क्लिक कर देना। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ KB और MB आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम जो है KB में हमारे बनाना है जो 20 से जो है 30 KB की हम बनाएंगे, 20 से 50 KB के अंदर आपको अपलोड करना है, तो हम 30 KB की इस फ़ोटो को हम बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम जो फ़ोटो है हमारे 30 KB की बन गई है, और आपको जैसे ही आप ओके का बटन दबाओगे तो आपकी फ़ोटो जो है 30 KB की ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो देखिए दोस्त कुछ इसी प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए दोस्त
यहाँ किसी भी, अगर आप SSC के कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार अपना फ़ोटो बना लेना है। तो आपको हम सिग्नेचर बना के दिखाते हैं, उसके बाद फ़ोटो इसी प्रकार बना लेना, उसके बाद आपको हम सिग्नेचर भी रिसर्च करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्त, सिग्नेचर की हम फ़ोटो पहले से नहीं खींचे हैं, तो हम यहाँ पर टेक फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और तत्काल में हम इस फ़ोटो को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर हम जो है टेक फ़ोटो के ऑप्शन पे आपको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही टेक फ़ोटो पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कैमरा के ऑप्शन पे आ जाएगा, जो हम फ़ोटो यहाँ खींचे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर लिखे हैं नेम अपना, सिग्नेचर अपना लिखे हैं, तो आपको इसको फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद कैप्चर करने के बाद आपको इसे रिसाइज के ऑप्शन पर फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसे पहले आपको क्रॉप कर लेना है, तो इसी प्रकार कुछ क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको फिर नीचे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, उसी प्रकार आप इसको भी रिसाइज कर लेना। देखिए दोस्त, यहाँ वही ऑप्शन फिर आएगा, आप इसे जो है फ़ोटो की साइज़ जो है 15 KB की बना सकते हो या 20 KB की। तो यहाँ पर 10 से 20 KB के अंदर या 25 KB के अंदर आपको बनाना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ 313 KB की फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो हमें जो है इसे जो है 15 KB की फ़ोटो बनाना है। तो हम 15 KB की फ़ोटो बनाने के लिए यहाँ पर हम यहाँ फिर से वही ऑप्शन रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे ही आप रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, जो आपको फाइल बिर्थ जो आपको हाइट इसमें रखना है, फाइल साइज इसमें रखने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको फाइल साइज में देखिए दोस्त, यहाँ पर हम अपना फाइल साइज दो है 15 KB डाल देते हैं। 15 KB जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर आपको 15 KB दिखाई देगी। जैसे ही आप 15 KB डाल दोगे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इसी प्रकार आपको 14 KB का हमारा बन गया है। देखिए दोस्त, इसी प्रकार आप बना लेना। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको फोटो और सिग्नेचर क्रॉप करने या रिसाइज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपकी फ़ोटो जो बनाए हैं उस गैलरी में यहाँ आ गई है। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दोस्त, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेके जाना, जिससे कि नई नई वैकेंसी का